सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। टॉप फाइव देश जो रक्षा बजट में खर्च करते हैं उसमें भारत का नाम भी शामिल हुआ है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत का ये जो खर्च है ये दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए काफी है, क्या इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी होगी। और हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून साहब जुड़ गए हैं। पीएन हून साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरबानी पीएन हून साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि जो टॉप फाइव देश हैं जो रक्षा बजट में खर्च करते हैं उसमें भारत का भी नाम है, लेकिन दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए क्या ये वो कंडीशन है जिसे हम संतुष्टि वाली कंडीशन माने? नहीं, देखिए जो हो रहा है वो तो गलत है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना आज एक बड़ी फोर्स है, पूरे विश्व में फोर्स है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। आप देखिए कि चाइना तो उनको ठोक देता है कि व्हाइट हाउस टेरिटरी उनको वार्न कर देता है कि ग्लोबल एयरलाइंस हमारी जो हैं ओरवेलन नॉनसेंस कहते हैं। चाइना ने व्हाइट हाउस को भी बोल दिया है कि ये हम क्रिटिसाइज करते हैं इस बात की, और आप कोशिश ना करोगे, इतने आप हो गए हो अमेरिकन्स जो के 36 इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो चल रही हैं और वो उनके एरियाज में चल रही हैं। तो अब ये जो हो रहा है ये मुझे लगता है ये एक काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि चाइनीज जो हैं उनकी सिविल एविएशन भी आप देखें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ये तो बहुत देखना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अपने आप नहीं कुछ कर सकता, इसको मिलना पड़ेगा सारे बाकी जो हैं। और कोशिश का हम करना चाहते हैं कि जो चाइना है उनके साथ भी हम मिल सकते हैं, अगर हमारा ट्रेड होता है, अगर हमारी चीज़ें बिकती हैं, हम बनाते हैं, वो चाहते हैं कि ये चाहिए हम बनाएंगे, तो हम भी तो उनके साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा भारी देश बन गया है, अभी चाइना के काबिल तो नहीं है ना। चाइना जो है वो अमेरिका को भी ठोक रहा है, सबको, पूरा वर्ल्ड को ठोक देगा अगर हम चाइना को नहीं देखते अब से, अपना करते हैं कि क्या होना है नेक्स्ट 6 महीने में या साल में। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, हमारे जो हैं थिंकर्स बैठे हैं दिल्ली में उनको जाग आ गई होगी, नहीं आई है तो जल्दी से करो, क्योंकि ये बहुत देर लास्ट नहीं करेगी और हमें भी इसको खबरदार रहना चाहिए और हमें भी नुकसान होगा। तो ये जो हो रहा है इस वक्त चाइना का, ये व्हाइट हाउस को छोड़ के ये एडमिनिस्ट्रेशन वार्निंग फॉरेन एयरलाइंस को हांगकांग मकाओ, ये कहते हैं कि ये कौन है, मतलब कौन है चाइना ये पूछ रहा है कि ये कौन है, ये तो हमने सुना ही नहीं, और हिंदुस्तान इनके साथ लगा हुआ है जी। तो हमें बहुत सोच के दिल्ली में बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे चल सकें जी। पीएन हून साहब, एक सवाल ये कि अगर हम इसको ग्लोबली देखें, अमेरिका का रक्षा बजट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, इसके अलावा वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भी बेच रहा है, तो ये जो हथियारों की होड़ है या फिर इसमें अमेरिका की पोजीशन क्या है इस वक्त? वही तो चाइना भी यही पूछ रहा है ना कि अमेरिका जो है वो सबको इकट्ठा करके चाइना के अगेंस्ट हो जाएगा, होएगा, कोशिश करेंगे जरूर, बट मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं और किसी स्टेट कंट्री की बात नहीं करता, कि हमें जो है हमारा जो
चाइना के साथ मेल है वो होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आर्मी में था, जनरल था, और सिक्किम में मुझे बताया गया कि आप सिक्किम को वो चाइनीज आते हैं नथुला के साइड से, सो सिक्किम को थोड़ा करिए, तो उन्होंने मुझे वहाँ पोस्ट कर दिया। वहाँ जिस वक्त हमने पोस्ट किया तो हमने देखा कि नथुला पास जो है वो तो सड़क है, पूरी सड़क है जो कि चाइना आ जाते हैं अंदर। तो हमने सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट से बोला कि सिक्किम उस वक्त भी इट वॉज इंडिपेंडेंट जी, हमारे नीचे नहीं था, लेकिन हमने उसको पहले इंडिपेंडेंट कर हटा के हमने अपने हाथ में लिया। उनको बोला कि अब आप बैठे रहो, आपसे ये संभाला नहीं जाएगा, हम करते हैं, और हमने किया। हम सीधा, मुझे याद है वहाँ नथुला में मैं पहुँच गया था अपने ट्रूप्स लेके, और चाइनीज जो थे वो सड़क बना रहे थे उस वक्त दूसरी तरफ एट द नॉर्थ ईस्ट साइड, और वो भी सड़क बना रहे थे। तो मैंने उनका सड़क बनाना बंद कर दिया। वो कम से कम 6-7 किलोमीटर अभी सड़क नहीं बनी थी, और मैंने उनको बोला कि अगर आप आएंगे तो आपको तकलीफ होगी और हम आपको ठोकेंगे जी। तो सब कुछ ठीक हो गया। अब फिर शुरू हो गया है। अब इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री हो गई है, और चाइना ये कह रही है कि जी हिंदुस्तान क्या है, इनके पास तो कितनी है चीजें, हर एक जगह, हांगकांग, मकाओ, हर एक जगह है, ये करने को तैयार है। तो हमें बैठ के बातचीत भी करनी चाहिए, ये नहीं कि हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं जी, अगर हमें फिर से लड़ना है हम लड़ेंगे, हमारे ट्रुप्स हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी एयरफोर्स है, सब कुछ, हम तैयार हैं। लेकिन अगर चाइना हमारे ऊपर हिट करता है तो कुछ भी हो हमें मारना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अवर वीडियोज फॉर बेस्ट अपडेट्स।